सो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज ऐसी पांचों मोबाइल फोटोग्राफी टिक्स देने वाला हूँ, आप लोग जो काफ़ी नहीं देखा होगा यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे काफ़ी नहीं देखा होगा। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के एंड तक देखते रहना आप लोग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना फ्रेंड के साथ, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही फोटोग्राफी मोबाइल फोटोग्राफी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स टाइम वेस्ट ना करके चलते वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों टिप नंबर वन में एक चाकू का जरूरत पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो कोई चीज़ लेकर आप लोग चाकू के ऊपर मार मार के कुछ सड़क में कुछ इस टाइप से लगा देना हमें, ठीक है? कुछ इस टाइप का आप लोग देख सकते हो। फिर जो हमारा मॉडल रहेगा, मॉडल कुछ इस टाइप का सो जाएगा सड़क में, ठीक है, चाकू के पास। फिर क्या करना है, फ़ोन का कैमरा ओपन कर लेते हैं। फिर हमारा जो पोर्ट्रेट मोड ऑन है, पोर्ट्रेट मोड को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद हमारा जो फोटो खींचने का एंगल होगा फ़ोन के रोटेट करके, उल्टा करके, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। फिर क्या करना है, फ़ोन को रोटेट करके, रोटेट करने के बाद फ़ोन को हमें एक सड़क में, ठीक है, सड़क में उल्टा करके फ़ोटो क्लिक करना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से आप लोग देख सकते हो। जब इस टाइप का पोज देगा हमारा जो मॉडल रहेगा, मॉडल को बस फोकस करना और एक फ़ोटो क्लिक कर लेना। सो गाइस फोटो को कर लेते क्लिक। दोस्तों फोटो को क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का लगेगा, ठीक है, ब्लर के साथ, और एडिट करने के बाद कुछ इस टाइप का लगेगा। बहुत ही ऑसम लग रहा है दिखने में, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत ही क्रिएटिव लग रहा है दिखने में, और एडिट किया हूँ और भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। दोनों एडिट किया हूँ आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका बैकग्राउंड चेंज किया हूँ, आप लोग देख सकते हो। कॉमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा वाला पोस्ट एडिट किया हूँ, कौन सा अच्छा लगे, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरह। दोस्तों टिप नंबर टू में एक कोई सा भी एक जगह में चले जाना ऊंचा हो वहाँ पे, ठीक है। मैं तो बाइक में चढ़ गया हूँ, ठीक है, आप लोग बाइक में भी चढ़ सकते हो, ठीक है। चढ़ने के बाद क्या करना है, फ़ोन का जो फ़ोन कैमरा है ओपन कर लेते हो फ़ोन कैमरा को। फिर फ़ोटो खींचने के एंगल कुछ ऊपर तरीके से होगा, ठीक है, मोबाइल को ऊपर करके फ़ोटो को क्लिक करना है, ठीक है। जितने भी ऊपर करोगे उतने भी अच्छा लगेगा और उतने भी अच्छे फ़ोटो क्लिक आएगा, ठीक है। और ऊपर तरीके से करने के बाद थोड़ा सा जूम कर लेना फ़ोटो को, ठीक है, और सिंपली हमारा मॉडल कुछ इस टाइप का पोज देगा। सिंपली जब कुछ सिंपली इस टाइप का पोज देगा एक फ़ोटो क्लिक कर लेना हमें, ठीक है। सो गाइस फोटो को कर लेते क्लिक। दोस्तों फोटो क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का लगेगा, बहुत ही शानदार आई है फोटो, ठीक है, दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। और रिटच करने के बाद कुछ इस टाइप का लगेगा, बहुत ही ऑसम लग रहा है, हम लोग देख सकते हो। बैकग्राउंड चेंज किया हूँ, ठीक है, बहुत ही गजब लग रहा है दिखने में, बहुत ही क्रिएटिव, क्या बोलूँ आप लोगों को, ठीक है, बहुत ही ऑसम लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है देख रहे हो आप लोग, ठीक है, बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सिंपली आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप लोग चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरह। दोस्तों टिप नंबर थ्री में हमें ट्राइपॉड को जरूरत पड़ेगा। ट्राइपॉड के साथ ऐसी तरह फ़ोन को उल्टा करके हमें फिक्स कर देना, ठीक है। फिक्स करने के बाद हमारा जो फोटो खींचने का एंगल होगा, एंगल पूरा नीचे तरीके से, ठीक है, ट्राइपॉड को पूरा छोटा कर देना। छोटा करने के बाद हमें कैमरा को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हमारा जो पोर्ट्रेट मोड है, पोर्ट्रेट मोड को भी ऑन कर लेना, ठीक है। ऑन करने के बाद ऊपर तरीके से थ्री डॉट में क्लिक करके आप लोगों को टाइम सेलेक्ट करना है, ठीक है, 3 या 5 टाइम सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। टाइम सेलेक्ट करने के बाद हमारा कुछ मॉडल कुछ इस टाइप का सिंपली पोज देगा, ठीक है। जब कुछ इस टाइप का पोज देगा फोटो क्लिक कर लेना। सो गाइस फोटो कर लेते क्लिक। सो गाइस फोटो को क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का आएगा। दोनों फोटो क्लिक किया हूँ आप लोगों को दिखा देते हो, एक सिंपली एक ब्लर के साथ, ठीक है। इस दोनों को एडिट करने के बाद कुछ अलग टाइप का आएगा, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। इसका जो PNG लगाए हूँ, वो जो PNG फोटो वाला PNG है, ठीक है, साइड से देख रहे हो सिंपली फोटो है ये, ठीक है। फोटो वाला जो PNG है इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये जो सिंपली फोटो है इसको ही बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। इसको एडिट किया हूँ, ठीक है, दोनों एडिट किया हूँ, अच्छा लग रहा है इस पिक को, ठीक है। सो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप की तरह। दोस्तों टिप नंबर फोर में कुछ एक बोतल का जरूरत पड़ेगा, खाली बोतल और एक चाकू, ठीक है, और बोतल का काट लेना हमें, ठीक है। बोतल को काटने के बाद कुछ इस टाइप का लगेगा, ठीक है। फिर क्या करना, हमारा जो मॉडल रहेगा उसको लेकर एक जगह में बैठ जाएगा। फिर हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल का जो कैमरा है उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, बैक कैमरा को ओपन कर लेता हूँ। फिर क्या करना, हमारे जो ब्लर वाली ऑप्शन है उसको भी ऑन कर लेना, ठीक है, ब्लर वाली जो ऑप्शन है उसको ऑन कर लेना। फिर क्या करना, मैं बाएं हाथ को रखकर कुछ इस टाइप का पोज देगा,
रहेगा हमारा मॉडल। और आप लोगों को एक ध्यान रखना, मैं सिर्फ एक हमारा जो मॉडल का जो आँखों है आँखों को ही क्लिक करना है, ठीक है, बाकी का सब ब्लर हो जाएगा, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो जब इस टाइप का पोज देगा एक फ़ोटो क्लिक कर लेना है, ठीक है। सो गाइस फोटो कर लेते क्लिक। दोस्तों फोटो को क्लिक करने के बाद इस फोटो को ले जाना है पिक्सट के अंदर, ठीक है। पिक्सट के अंदर आने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन में चले जाना, फिर ब्लर को सिलेक्ट कर लेना, फिर हमें फोकस जूम को सिलेक्ट करके एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद ब्यूटी में चले जाना, फिर थोड़ा सा आंखों को कलर कर लेना, ठीक है। कलर करने के बाद डोटूल में जाके इसको सेव कर देना, और एडिट करने के बाद कुछ इस टाइप का लगेगा, देख ले आप लोग, ठीक है। बहुत ही ऑसम लग रहा है दिखने में, लाइट रूम से एडिट किया हूँ, बहुत ही गजब लग रहा है, मेरा फेवरेट पोज है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कौन सा वाला पोज आपको अच्छे लगे, ठीक है। बहुत ही गजब लग रहा है दिखने में, क्या बोलो आपको, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरह। दोस्तों टिप नंबर 5 ये हमारा लास्ट पोज है, क्या करना है, एक सनग्लास लेना है, ठीक है, और थोड़ा सा पानी लेना है, ठीक है। क्या करना है, थोड़ा सा पानी का बूंद चढ़ा देना है, ठीक है, सनग्लास के ऊपर थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा पानी का बूंद चढ़ा देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, हमारा जो सनग्लास है एक जगह में रख देना है, थोड़ा सा दूर हमारा जो मॉडल रहेगा थोड़ा सा दूर ऐसी तरह सो जाएगा, ठीक है। सोने के बाद हमारा जो मॉडल पोज देगा, ब्रेकअप टेकअप हो गया है गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है, ऐसी तरह सैड पोज देगा, ठीक है। फिर क्या करना है, हमारा जो फोन का जो कैमरा है ऑन कर लेना, और हमारा जो फोटो क्लिक करना है उल्टा तरीके से, आप लोग देख सकते, देखा दिया हूँ, उल्टा तरीके से क्लिक करना है, ठीक है, रोटेट करके। फिर क्या करना है, हमारा जो मॉडल रहेगा कुछ ऐसी तरह सेट पोज देगा, फिर हमें टाइम सिलेक्ट कर लेना है आप लोग, ठीक है, टाइम सिलेक्ट कर लेना। फिर क्या करना है, ब्लर वाली जो ऑप्शन है, पोर्ट्रेट वाली जो ऑप्शन है उसको ऑन कर लेना, ठीक है, पोर्ट्रेट वाली जो ऑप्शन है उसको ऑन कर लेना, और एक फोटो क्लिक करना है, ठीक है। जब इस टाइप का पोज देगा, सेट पोज देगा, एक फोटो क्लिक कर लेना है, ठीक है। सो गाइस फोटो कर लेते क्लिक। दोस्तों फोटो को क्लिक करने के बाद कुछ सिंपली इस टाइप का लाएगा, ठीक है, ब्लर के साथ, और एडिट करने के बाद कुछ इस टाइप का लाएगा। बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही गजब लग रहा है दिखने में, बहुत ही क्रिएटिव लग रहा है दिखने में, ठीक है। आज था ये 5 मोबाइल फोटोग्राफी टिक्स, और मोबाइल फोटोग्राफी के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बना के रखा हूँ, 6-7 वीडियो बना के रखा हूँ। जिसने अभी तक उस वीडियो नहीं देखा तो जाओ जाके सिंपली देख लो, और जिसने अभी तक इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो नहीं किया तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ, वहाँ से सिंपली फॉलो कर लो। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और वीडियो तो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते, बाय बाय।